हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान बी जीजे। आज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू सिक्स, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर हमें इसमें फाइंड आउट करना है। हम अभी ये चीज़ दी हुई है, इससे हमें ये फाइंड आउट करना है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये दिया हुआ है उसे हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है उसका स्क्वेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि इधर स्क्वेयर में है तो उस हिसाब से हम स्क्वेयरिंग करेंगे। तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग होती है, और तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी इक्वल टू a। आइडेंटिटी हमारी कौन सी लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स, एंड यहाँ पर 36 हो गया। एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर, यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, ये आ गया है, तो इसको हम इसी तरफ LHS में रख देंगे। इधर x से x कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ प्लस टू बचेगा, टू इंटू वन इज टू, और इसे मैं 36 माइनस टू, क्योंकि हम इधर से लेकर जाएंगे पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव में हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 34। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो गई, 34। ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, पर कई बार हमें क्वेश्चन में दिया है कि यू हैव टू फाइंड एक्स फोर बाय वन बाय एक्स फोर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब पहले तो हमें यही वाला स्टेप निकालना है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर हम अगेन इसी चीज का स्क्वेयरिंग कर देंगे। जब स्क्वेयरिंग करते हैं तब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे स्क्वेयरिंग हो जाएगी, प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 1156। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ प्लस टू बचेगा, उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस टू में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्स फोर और वन अपॉन एक्स फोर और 1156 माइनस टू इज 1154, तो आपका ये आंसर आ गया। तो ये एक सेकेंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, एक्स फोर बाय वन प्लस वन बाय एक्स फोर फाइंड आउट कर लिया। इक्वेशन में हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, और फाइंड क्या करना है हमें, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक फर्स्ट पार्ट ये है, और सेकेंड पार्ट है एक्स माइनस वन बाय एक्स यू हैव टू फाइंड आउट। तो पहले हमने इसका जैसे स्क्वेयरिंग करा था, जो वैल्यू फाइंड करना है उसी तरीके से हम इसको ले लेंगे, क्योंकि ईजी वे यही है कि स्क्वेयरिंग करें और उसे सॉल्व करें। तो सॉल्यूशन हमारा है x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया। अब हमें फाइंड आउट तो ये करना है x प्लस वन बाय एक्स, और हमें ये वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 27 प्लस 2 दैट इज 29, और हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वन बाय एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में, और रूट प्लस माइनस 29, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो ये एज इट इज इसकी वैल्यू आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया। x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट 29। पार्ट में हमें x माइनस वन बाय एक्स फाइंड आउट करना है, तो उसमें भी हम स्क्वेयरिंग करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस टू। इसकी वैल्यू हमें 27 गिवन थी, तो 27 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 25, और ये जो स्क्वायर है ये हमारा हट जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो
x माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू रूट 25 विच इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस आएगा और प्लस माइनस 5 इसका आंसर हो जाएगा. x माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस करें और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेंगे तो आप इन्हें ज़रूर से प्रैक्टिस करें. और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान विजी जी.